हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्यम पांडे, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, जो डेली की तरह आपको आज 28 अप्रैल 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अगर अभी आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करंट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। दोस्तों, इजराइल ने गोल्डन हाइट्स का नाम किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखने का फैसला किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल के विवादित क्षेत्र गोलान पहाड़ियों पर बसाई गई नई बस्ती का नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रखने का ख्वाहिश जाहिर की है। तो इसका आंसर है दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला दोस्तों, पूर्व आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग को सेशल्स में भारत का क्या नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका उच्चायुक्त। दलवीर सिंह सुहाग, जो कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल रह चुके हैं, को सेशल्स में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दलवीर सिंह सुहाग जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 तक सेना प्रमुख रह चुके हैं। इसका आंसर दोस्तों उच्चायुक्त। अगला दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कौन महिला है जो पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं? तो इसका आंसर दोस्तों क्लेयर पोलोसेक। क्लेयर पोलोसेक। आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन में क्लेयर पोलोसेक 2 के फाइनल मैच में अंपायरिंग कर रही यह उपलब्धि हासिल की, और अब ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। अगला दोस्तों, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका 24.9%। 24.9%। बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों को वर्ष 2017-18 में 163,590 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि हुई है। कितना दोस्तों? 24.9% की। अगला दोस्तों, निम्न में से किस संस्था ने नीति आयोग के साथ बाल सशक्तिकरण के लिए समझौता किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ। यूनिसेफ और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM के युवाओं के पार्टिसिपेशन, स्किलिंग को बढ़ावा देने और एम्पावरमेंट सशक्तिकरण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हस्ताक्षर है। यास्मीन अली और AIM के डायरेक्टर रमानाथन रमानन, जो कि यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि हैं, ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? यूनिसेफ। अगला दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती ने किस फाइनेंस कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद संभाला? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस। सिद्धार्थ मोहंती ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद संभाल लिया है। सिद्धार्थ मोहंती वर्ष 1985 में LIC से जुड़े थे। वह विपणन, मानव संसाधन, निवेश और कानून कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? LIC हाउसिंग फाइनेंस में। अगला दोस्तों, किस पुरस्कार से राणा दासगुप्ता को उनके 2010 के उपन्यास सोलो के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019। यह रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का दूसरा संस्करण है। तो इसका आंसर दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019। अगला दोस्तों, भारत के किस स्टार क्यू खिलाड़ी ने ईरान के एहसान हैदरी नौजाद को 6-0 से हराकर पहला एशियाई स्नूकर का खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपका पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने ईरान के एहसान हैदरी नौजाद को 6-0 से हराकर पहला एशियाई स्नूकर का खिताब जीता है।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युवा भारतीय निशानेबाजों की किस जोड़ी ने 25 अप्रैल 2019 को चीन के बीजिंग में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका आंसर आपका मनु भाकर और सौरभ चौधरी, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। भारतीय निशानेबाज की जोड़ी मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक की लड़ाई में चीन के जियांग रानसिंग और पेंग ए को 16-16 के व्यापक अंतर से हराया और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स।